अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो उसमें एक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं, पुलिस वालों से कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, गुजरात का वीडियो है, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। तो भाई वैसे मैं कह रहा हूँ हमारे लोगों की, तो लोग कई बार सोशल मीडिया और मीडिया भी धज्जियां उड़ा देता है छोटी सी बात को लेकर। 100 लोग के लोग तो हमने पंजाब ने दे रखे हैं, पंजाब पुलिस के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जेड प्लस सिक्योरिटी है दिल्ली की, लेकिन पंजाब ने भी जेड प्लस सिक्योरिटी उनको दे रखी है। 100 लोग यहाँ से अरविंद केजरीवाल साहब की सेवा करने में दिल्ली में जुटे हुए हैं। तो ऐसी बातें कहना, पहले वो वैगनर पी भी आते थे, अभी कभी के वैगनर आपने गाड़ी देखी है, कहीं कुछ बात करते हैं कहीं कुछ बात करते हैं। वो कहते हैं 1000 रुपए की गारंटी दे दी है महिलाओं को, 1000 रुपया, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। और जिंदा जागता लोगों ने उदाहरण दिया संगरूर बाय इलेक्शन में। मैंने कई सरकार कई बहुत सरकारें देखी, लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं देखी कि जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री हों और 4-4 मंत्री हों, वहाँ बाय इलेक्शन 3 महीनों में ही हार जाए। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं। और मेरी हरियाणा के लोगों से गुजारिश है, कई लोगों भगदड़ में जब सरकार बची बनी तो तब भग गए कि भाई चलो चलते हैं केजरीवाल साहब की बात। ज़रा कोई भी कदम उठाने से पहले ज़रा पंजाब के लोगों से आके ज़रा पूछ लीजिए, पंजाब साथ में है, आपने इतना बड़ा फैसला लेना है। उन नेताओं को भी मेरी गुजारिश है जो ऐसे जिनके दिल ऐसे ऐसे धड़कते हैं, कभी उधर को भागते हैं कभी इधर को भागते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहाँ हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती है, वहाँ आवाज़ नहीं सुनी जाती। और आप याद रखेंगे हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में आने वाली सरकार हम हरियाणा में बनाएंगे। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।